तो गाइस देखो सुबह हो चुकी है, बस सनराइज नहीं हुआ अभी तक। और वो जो आपको सामने लेक दिख रहा है, वहाँ पे एक महल है जिसको जल महल के नाम से जाना जाता है, जो आधा पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। देखो गाइस चढ़ाई आ गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी आप सब देख सकते हैं अंधेरा अंधेरा है, ये रात का अंधेरा नहीं है, दिन का अंधेरा है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी नाहरगढ़ फोर्ट में, जो कि जयपुर में है। और मैं अभी हूँ कुंभ मार्ग में। तो गाइस चलो चलते हैं। और सुबह बहुत ठंड है कसम से यार, मेरा तो उठने का मन नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी मैं उठ गया कि चलो यार जाते हैं, एक ब्लॉग बना के आते हैं। अभी मैं आपको नाहरगढ़ फोर्ट में जाके सुबह की सनराइज दिखाऊंगा। और सुबह सुबह अगर एंट्री होगी तो अंदर भी जाके दिखाऊंगा, बट मेरे को नहीं लगता एंट्री होगी। तो चलो अभी जल्दी से चलते हैं, वरना सनराइज हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। 20 किलोमीटर हमें आधे घंटे में कवर करना है, तो गाड़ी भगानी पड़ेगी। तो गाइस लाइटिंग देखो कितनी बढ़िया लग रही है कसम से। और अभी हम बस भगा ही रहे 80-60। क्योंकि अभी भी हमें 15 किलोमीटर और जाना है। यही सब मजे है लाइफ में यार, वैसे भी टाइम मिलता नहीं है गाइस। जब टाइम मिलता है ब्लॉग बना लेता हूँ, नहीं तो बाकी तो पढ़ना उड़ना ये सब कोचिंग वोचिंग दिमाग खराब हो रहा था। ये देखो गाइस ऊपर लिखा हुआ है अशोक मार्ग। मेरे नाम पे भी मार्ग है। अभी हम थोड़ा स्लो हो गए क्योंकि 1-2 किलोमीटर बाकी है बस। हाँ ये भी स्लो नहीं है मुझे पता है, बट फिर भी थोड़ा स्लो तो है, 80-90 से। इस तरफ पड़ता है जंतर मंतर। तो गाइस देखो मेन पिंक सिटी में घुसने का गेट आ गया। यहीं से रियल पिंक सिटी स्टार्ट होती है। यहाँ आते ही थोड़ा गर्मी लगने लगा गाइस। तो गाइस देखो सुबह सुबह अभी 4:55 हो रहा है। फ्रूट वाले बैठे हैं सुबह सुबह एकदम। 4:55 से 4:45 हो रहा है, 45। सबसे शांत कुत्ता है। आप सबको कौन सा डॉग पसंद है सब कमेंट करके बताना। मुझे तो साइबेरियन हस्की सबसे ज़्यादा पसंद है, हाँ सबसे ज़्यादा। उसके बाद लोकल कुत्ते जो होते हैं स्ट्रीट डॉग, वो भी बहुत पसंद है। देखो गाइस चढ़ाई आ गई है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर। पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है गाइस। ये देखो गाइस, ये मॉर्निंग की जयपुर दिख रही है और हमें जाना है सीधे। तो चलो गाइस सीधे चलते हैं, लेट नहीं करते। और सच्ची यार बहुत खतरनाक रास्ता है, एक तो सुबह सुबह है। पूरे किले में चढ़ रहे गाइस हम यार। सेकंड गियर तो देना ही पाप है। यार यहाँ से उतरने में भी फट जाएगी गाइस, कसम से बता रहा हूँ। तो गाइस सीन क्या हो गया था, हम चले गए थे गलत रास्ते पे। मतलब रास्ता सही था, गूगल मैप हमको वही दिखा रहा था, बट वहाँ से सनराइज नहीं देख सकते, सनसेट देख सकते हैं। तो अभी हम जल्दी जल्दी नीचे आए। उधर एक अंकल थे सिक्योरिटी गार्ड, हमने पूछा अंकल जी कब होता है सनराइज़, तो उन्होंने बताया अभी भी 1 घंटा है, तुम लोग उस तरफ से जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं उसी रास्ते में। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे साइड में ही है पहाड़, बस हमें घूम के जाना है सामने से। हम बैक साइड से चले गए थे। तो गाइस ये देखो मेरे सामने टर्निंग है, ये राइट साइड, ये देखो आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये राइट साइड जो है ये जाता है आपका जयगढ़ को, और हमें जाना है लेफ्ट साइड जो जाता है नाहरगढ़ को। बहुत लोग जा रहे हैं ऊपर सनराइज देखने के लिए। तो गाइस आ गए हम। ये देखो यहाँ से जयपुर दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा बट थोड़ा दिख रहा है। तो चलो गाइस अभी सनराइज होने का वेट करते हैं। तो गाइस देखो सुबह हो चुकी है, बस सनराइज नहीं हुआ अभी तक। और वो जो आपको सामने लेक दिख रहा है, वहाँ पे एक महल है जिसको जल महल के नाम से जाना जाता है, जो आधा पूरा पानी में डूबा हुआ है। तो इस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद वाली वीडियो इसी पे बनाऊंगा, मतलब इसके बाद वाली ब्लॉग। ये देखो मेरा दोस्त हनी। तो अभी वेट करते हैं गाइस सनराइज होने का। तो गाइस 6:30 बज गए बट अभी तक सूरज नहीं आया, वेट कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता आएगा क्योंकि नॉर्मल सुबह हो चुकी है और यहाँ के लोकल बोल रहे नहीं आएगा, वेट करो 5-10 मिनट और, देखते हैं क्या होता है। व्यू तो बहुत तगड़ा है गाइस, देखो नहीं आएगा तो 5-10 मिनट रुक के चले जाएंगे फिर, और क्या करते हैं। तो देखते हैं अभी सनराइज आता है कि नहीं आता है। वो देखो गाइस सनराइज हो गया है, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। गोप्रो में जूम नहीं होता वरना आपको जूम करके दिखाता। ये देखो गाइस कितने लोग आ रखे। वो देखो सनराइज हो गया, वो गोप्रो से दिख नहीं रहा था इसलिए मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वो देखो सनराइज हो गया है। मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। गाइस देखो इस तरफ से हम आए थे और ये रहा वो व्यू। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे देखता हूँ क्या है आगे देखने लायक। उसके बाद जाएंगे कुछ खाने क्योंकि भूख लग रखा है गाइस बहुत तेज। किला विला जैसा तो लग नहीं रहा गाइस मेरे को यहाँ पे होगा। और तो गाइस देखो मेरे को मोर दिखे अभी, ये देखो वो देखो भाग रहे हैं मेरे को देख के। मोर और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो गाइस क्या व्यू है, गाइस क्या व्यू है। ये लोग भी मोर देखने आ रहे थे। तो चलो गाइस चलते हैं, अभी आगे कुछ है नहीं, हम घूम गए आगे से क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो फिर से मोर दिखे हमें, ये देखो तीन है, आगे एक जा रहा है, पीछे ये वाइट मोर है यार, सफ़ेद कलर का मोर है गाइस, देखो बीच वाला, और पीछे एक और वो रहा एक और। अरे ये तो पूरा मोर से भरा हुआ है गाइस, पूरा अंदर मोर ही मोर है। तो चलो अच्छा लगता है गाइस ये सब देख के। हम आ गए नीचे, तो चलो अभी जाते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत तेज भूख लग गया है। तो गाइस ऊपर से मैंने जो आपको जल महल दिखाया था वो इसी तरफ है, साइड में आगे जाके आपको दिखाता हूँ। गाइस देखो ये जल महल है जो मैंने ऊपर से आपको दिखाया था, इस पर भी एक वीडियो आएगी शायद, नेक्स्ट वीडियो इसी पे हो, तो गाइस ज़रूर देखना उसको भी। अब वीडियो ये वाली कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो चलो अभी जाते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग गया, बहुत तेज़ भूख लग गया। तो देखते हैं अभी खाने के लिए क्या मिलता है। तो गाइस दोबारा हम पिंक सिटी पहुँच चुके हैं। ऐसे जयपुर ही पूरी पिंक सिटी है बट ये प्रॉपर है। क्योंकि यहाँ पे जितने बिल्डिंग कॉलोनी वगैरह सब है, सब राजा महाराजाओं के बनाई हुई है, कुछ मॉडिफाइड नहीं किया। ये देखो बेचारा कितना सैड है। क्या हो गया? ये बेचारा देखो इतना सैड है, स्कूल जाने का मन नहीं था। सारे इसके बॉडी को पूरे बैग से धस दिया है। ओए देखो बेचारे के साथ कितना अन्याय किया गया है। तो चलो गाइस अभी चलते हैं कुछ खाने पीने। तो गाइस आ गई बालाजी पोहा, इधर जाएंगे अपन पोहा खाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया बनता है, फेमस है ये तो यहाँ का कुंभ मार्ग का। मेरा गाइस मेरा पोहा आते हैं। सच में बहुत तेज भूख लग जाता है यार। सुबह के निकले हम लोग 4:30 के, आज जाके खा रहे हैं। तो जल्दी उठ जाने से और भूख लगता है। ये ना हनी भाई का रखा हुआ है, टेस्ट तो बहुत बढ़िया। चलो कुछ पोहा खा लेते, फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा अपने रूम के तरफ। तो गाइस पोहा वोहा खाना हो गया हमारा, अभी थोड़ा पेट फुल है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी है तो भी बताना, बुरी लगी हो तो भी बताना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना वो भी बताना। तो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो पे, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। लव यू ऑल गाइस।